ए इनवर्स निकालने का एक मेथड तो हमने सीखा एडजॉइंट की मदद से। ए इनवर्स को हम क्या लिखते थे, ए इनवर्स को लिखते थे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एक तो इनवर्स इस मेथड से निकालते हैं कि पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक कर लेते हैं, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाए तो हम कह देते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आ रहा है तो फिर हम पहले एडजॉइंट निकालते हैं और एडजॉइंट के हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू से तो इनवर्स मिल जाता है। एक दूसरा मेथड जो है इनवर्स निकालने का, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और ये स्कूल या बोर्ड में ही पूछा जाएगा, कॉम्पिटिशन में इसकी जरूरत पड़ती नहीं है चूंकि ये बेकार सा मेथड है, लेंदी मेथड है, लेकिन स्कूल वाले इसी से पूछेंगे, यानी आपको स्कूल वाले पेपर में लिखा हुआ होगा कि फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर लिखा हुआ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को तो आपको यही मेथड अपनाना पड़ेगा, दूसरे से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला, और स्कूल और बोर्ड दोनों में पूछा जाता है, बोर्ड वाले भी इसी से पूछते हैं, जब भी इनवर्स निकलवाना होगा उनको तो आपसे इसी से निकलवाएंगे। अब यह है क्या मेथड, रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम इनवर्स कैसे निकालते हैं यह ध्यान से समझिएगा। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, A11, A13, A23, A31, A32, A33। और हमें A का इनवर्स फाइंड करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। तो हम करेंगे क्या, ऐसे लिख देंगे A इज इक्वल टू, A और I ये दोनों एक ही चीज होता है, इधर A को कॉपी कर देंगे जो गिवन है A11, A12, A21, A22, A31, A32, A33। देन उधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे ऑब्वियसली उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का ए है, अगर ए 2x2 होगा तो आई भी 2x2 लोगे, ए 3x3 होगा तो आई भी 3x3 लोगे, 100, 010, 001 और ए ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब हम इस बात को यूज करेंगे कि इनवर्स कहते हैं किसको, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई हो जाए तो हम दोनों को एक दूसरे का इनवर्स बोलेंगे। तो हम करेंगे क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से लेफ्ट वाले मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट कर देंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाना उस पर बाद में आता हूं, हमारा एम यह है कि हम इसको संभव आई में बदल दें, और जो चेंज हम यहां करेंगे साइमल्टेनियसली वही चेंज वहां करेंगे इस वाले मैट्रिक्स में, दोनों तरफ बैलेंस करते चलेंगे, यानी इधर जो चेंज करेंगे साइमल्टेनियसली वही चेंज उधर भी करेंगे। और चेंज हमें ऐसे करना है कि जो लेफ्ट वाला मैट्रिक्स है ये आई बन जाना चाहिए और राइट वाला चेंज होकर से बी बन गया, तो आई इज इक्वल टू बी होगा, यानी आप लेफ्ट वाले को क्या कर दोगे चेंज करके आई बनाना है, और जब ये आई बनेगा तो इधर चेंज होकर तो नया मैट्रिक्स आ जाएगा, चेंज होकर सपोज नया मैट्रिक्स बी आ गया, और चूंकि बी का प्रोडक्ट बी ए का प्रोडक्ट आई बन रहा है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो बी मैट्रिक्स है यही ए का इनवर्स है, तो इधर जो मैट्रिक्स आएगा इसकी जगह पे चेंज होकर वही बी ए का इनवर्स होगा। अब बोलने में तो बहुत आसान है लेकिन चेंज करेंगे कैसे, इसको हम आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, अगर हम आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं इसको तो कैसे बनाएंगे, तो वही ट्रांसफॉर्मेशंस काम आएंगे कि कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो अलाउड है जिनको हम रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, यानी रो पे हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है रो ट्रांसफॉर्मेशन। और सिर्फ तीन ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड है, बस ये ध्यान रखिए कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तीन तरह के ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड है, कौन कौन सा लिखिए पहले। इन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉलोइंग थ्री ट्रांसफॉर्मेशंस आर अलाउड, इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है, जो तीन बोलूंगा बस वही अलाउड है, फॉलोइंग थ्री ट्रांसफॉर्मेशंस आर अलाउड। थ्री ट्रांसफॉर्मेशंस आर अलाउड, कौन कौन से तीन, पहला ट्रांसफॉर्मेशन, पहला लिखे नंबर वन, पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये अलाउड है कि आप किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, यानी आप सेकंड वाले रो को फर्स्ट वाले रो की जगह पे ले जा सकते हैं, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले,
या फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज, यानी किसी भी दो को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो। सपोज आप फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज करना चाहते हो तो नोटेशन में इसको ऐसे लिखोगे R1 डबल एरो देकर R3, इसका मतलब होगा इसको पढ़ेंगे फर्स्ट रो, इसको पढ़ेंगे थर्ड रो, इसका मतलब है कि हम फर्स्ट एंड थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी थर्ड वाला फर्स्ट की जगह चले जा रहे हैं, फर्स्ट वाला थर्ड की जगह। तो लिख लीजिए वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज, वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज। एक तो ये लॉर्ड है, आप किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या लॉर्ड है, देखिए नंबर टू, और ध्यान रखिए कि जो चेंज आप यहां करते हो साइमल्टेनियसली वो उधर वही चेंज करना पड़ेगा। जैसे इधर मान लो आपने फर्स्ट एंड थर्ड रो को इंटरचेंज किया, थर्ड वाला फर्स्ट की जगह चलेगा, फर्स्ट वाला, तो वही काम यहां भी करोगे, ये 001 ऊपर चला जाएगा और 100 तब से नीचे आ जाएगा, साइमल्टेनियसली दोनों में सेम चेंज आपको करना है। सेकंड क्या है, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन ये लॉर्ड है कि आप किसी भी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एनी नंबर से, एनी नॉन जीरो नंबर से, जैसे आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो किसी भी रो में हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोले ये वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो विद एनी नॉन जीरो नंबर, वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो विद एनी नॉन जीरो नंबर। दो हो गए, कौन से दो हो गए, पहला दो कि आप किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, दूसरा किसी भी रो में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो आप थर्ड वाले रो में चेंज करना चाहते हैं, से थर्ड वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि हम आर थ्री में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, एरो देकर आर थ्री में हम ये चेंज कर रहे हैं कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, समझ में आ गई बात। और तीसरा काम क्या कर सकते हैं, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आप किसी भी रो में किसी दूसरे रो को ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं एज इट इज या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, यानी आप R1 में R2 ऐड कर सकते हैं, R1 में से R3 सबट्रैक्ट कर सकते हैं, या R1 में 2R2 ऐड कर सकते हैं, यानी सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर दिया, या R2 में 3R3 सबट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दिया, तो किसी भी रो में किसी दूसरे रो को ऐड या सबट्रैक्ट किया जा सकता है एज इट इज या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। जैसे अगर मैं ये लिखता हूं कहीं पे, मान लो मैंने लिखा R3 R3-5R1, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हम चेंज किस में कर रहे हैं, थर्ड रो में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं थर्ड रो में, थर्ड रो में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वाले रो को 5 से मल्टीप्लाई करके। तो आप किसी भी रो में किसी दूसरे रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एज इट इज या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो लिख लो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रो टू एनी अदर रो, टू एनी अदर रो एज इट इज और आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ सम नंबर, एज इट इज और आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ सम नंबर। ठीक, कौन कौन से तीन काम हो गए फिर से सुन लीजिए, इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। आप किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, एक, किसी भी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो, और किसी भी रो में किसी दूसरे रो को ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं ऐसे ही है नंबर से मल्टीप्लाई कर। अब इन तीन ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हमारा एम यह है कि हम इधर आइडेंटिटी बना लें, और जो चेंज यहाँ करेंगे साइमल्टेनियसली वही चेंज उधर आइडेंटिटी पे करेंगे। इधर वाला आई बनेगा तो उधर वाला एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा मुझे बी, जो उधर एक नया मैट्रिक्स मिलेगा बी उसी को हम कह देंगे कि ए का इनवर्स। अगेन अब हम इधर आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, जो स्टेप्स मैं लिखवा रहा हूँ बिल्कुल हूबहू वही स्टेप्स फॉलो करोगे तभी तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, फिर आप गलती कर ही जाओगे कहीं ना। आइडेंटिटी बनाने का मतलब क्या है कि हम ये तीन चाहते हैं कि वन हो जाए और बाकी सारे क्या चाहते हैं जीरो, कैसे बनाएंगे तो स्टेप लिखते जाइए। स्टेप वन लिखिए कैसे आपको आइडेंटिटी बनाना, और बिल्कुल इसी ऑर्डर में काम करोगे, अगर आप इस ऑर्डर से हट गए तो नहीं होने वाला प्रॉब्लम आपसे।
सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको इसको वन बनाना है, ए वन वन को। कैसे? अगर ये वन पहले से ही है तो आपका काम थोड़ा खत्म हो गया, पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये वन नहीं है, से यहाँ पे थ्री है, तो हम क्या करेंगे, पहले रो को वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे थ्री है, मैं वन बनाना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, पहले रो को वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई, यहाँ वन हो जाएगा। जब पहले रो को वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, उधर भी पहले रो को वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री जीरो है जीरो। या फिर यहाँ वन नहीं है लेकिन इनमें से कोई वन दिख रहा है मुझे, तो मैं इंटरचेंज कर दूंगा। जैसे मान लो कि यहाँ थ्री है बट यहाँ वन दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट एंड थर्ड रो को इंटरचेंज कर दूंगा, तो ये वाला वन वहां ऊपर उठ के चला जाएगा। यानी पहला काम आपको करना है कि इसको वन बना दें। दो ऑप्शन है वन बनाने के, अगर यहाँ पे कोई और नंबर है वन के अलावा से थ्री है तो वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, या इनमें से कोई वन दिख रहा है तो रो को इंटरचेंज कर दो। मतलब अगर यहाँ वन दिख रहा है तो फर्स्ट एंड सेकंड को इंटरचेंज कर दो, यहाँ वन दिख रहा है तो फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज कर दो। तो सबसे पहला स्टेप ये करना है कि ए वन वन को वन बना देना। तो लिखिए पहले स्टेप में चेंज ए वन वन टू वन, चेंज ए वन वन टू वन, पहला स्टेप हो गया। अब आते हैं दूसरे स्टेप, ए वन वन को वन बनाने के बाद, ध्यान से सुनिएगा जो अगला स्टेप है, इसको वन बनाने के बाद ये दो जीरो करना आपको, किसको, ए टू वन, क्योंकि आप बनाना क्या चाहते हो, डायगोनल वन, बाकी सब जीरो। तो इसको वन बनाने के बाद ये दो जीरो करना है, यहां जीरो आना चाहिए, यहां जीरो आना चाहिए। कैसे करेंगे, तो पहले रो को यूज करके, इसी को यूज करके, ए वन वन को यूज करके ये दोनों जीरो करेंगे। देखो कैसे, मान लो यहां तो आपने वन बना लिया, कुछ भी था वन तो बना लिया आपने, सपोज थ्री था तो वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करके आपने इसको वन बना लिया। यहाँ पे सपोज फाइव है, यहाँ पे सपोज माइनस सिक्स है, मैं वैसे रैंडमली बोल रहा हूँ, ये वन बन चुका है, ये फाइव है, ये माइनस सिक्स है। नाउ फाइव की जगह पे मैं जीरो लाना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, पहले वाले रो को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ वन है, फाइव से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे जीरो आ जाएगा। यहाँ पे माइनस सिक्स है, यहाँ वन है, तो पहले वाले रो को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहले वाले रो को यूज करके ए टू वन और ए थ्री वन को जीरो बनाना। तो लिखिए सेकंड स्टेप में क्या काम करना है, सेकंड स्टेप लिखो चेंज ए टू वन एंड ए थ्री वन टू जीरो, चेंज ए टू वन एंड ए थ्री वन टू जीरो यूजिंग फर्स्ट रो, पहले रो को यूज करके, यूजिंग फर्स्ट रो। तो यहां मिल गया मुझे वन जीरो एंड जीरो, दो स्टेप में मिल जाएगा। पहले स्टेप में तो इसको वन बनाओगे, दूसरे स्टेप में इसको यूज करके इसके उसको जीरो कर दोगे। जैसे यहाँ वन बन गया, ये फाइव है, ये माइनस सिक्स है, तो फाइव ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे जीरो, या माइनस सिक्स है सिक्स है, सिक्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा जीरो, ये हो गया वन जीरो जीरो। अब चलेंगे उधर, अगले स्टेप में हम ए टू टू को वन बनाएंगे। लिखो स्टेप थ्री में चेंज ए टू 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 वन, चेंज ए टू 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 वन, सेम वही बात। अगर ये ए टू टू वन नहीं है, कुछ और है, से यहाँ पे सिक्स है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले रो को वन बाई सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पे बना दें। मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो चेंज आप यहाँ कर रहे होगे साइमल्टेनियसली वही चेंज उधर भी करना पड़ेगा आपको, साथ के साथ जो भी यहाँ करोगे वो उधर कर दो। यहाँ वन बनाने के लिए सिक्स था, वन बाई सिक्स से मल्टीप्लाई करके ये वन बन गया। जब ये वन बना देंगे ए टू टू, तो सेकंड वाले को यूज करके ए वन टू और ए थ्री टू को जीरो करना है। वही काम, जैसे यहाँ वन बन गया, यहाँ पे सपोज टू है, यहाँ पे थ्री है, ये वन है, यहाँ टू है, तो जीरो कैसे करेंगे, सेकंड वाले रो को टू से मल्टीप्लाई करके ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ जीरो आ जाएगा। सपोज यहाँ पे माइनस थ्री है, ये वन है, तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, ये जीरो आ जाएगा। तो ए टू टू को वन बनाने के बाद अगला स्टेप लिखिए, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको, चेंज ए वन टू एंड ए थ्री टू टू जीरो, चेंज ए वन टू एंड ए थ्री टू टू जीरो यूजिंग सेकंड रो, यूजिंग सेकंड रो। और अब चलेंगे इधर, क्या हो गया, वन जीरो जीरो हो गया, यहाँ जीरो वन जीरो। अब इधर चलेंगे नेक्स्ट क्या करेंगे, ए थ्री थ्री को वन बनाएंगे। अगला स्टेप लीजिए फिफ्थ स्टेप, चेंज ए थ्री थ्री टू वन, ए थ्री थ्री टू वन, सेम भाई, अगर वन ही है तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके रेसिप्रोकल से थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर दो, ये वन बन जाएगा। तो फिर इसकी मदद से, थर्ड वाले रो की मदद से ए वन थ्री और ए टू थ्री को जीरो कर दो। अगला लास्ट स्टेप लिख लो, सिक्स्थ स्टेप, चेंज ए वन थ्री एंड ए टू थ्री टू जीरो, चेंज ए वन थ्री एंड ए टू थ्री टू जीरो यूजिंग थर्ड, यूजिंग थर्ड।
अगर 2x2 मैट्रिक्स होगा तो कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि तो मैंने 3x3 लिया हुआ तो इतना काम, अगर 2x2 होगा तो बस यही चार एलिमेंट होंगे सिर्फ, और यही चार एलिमेंट होंगे तो एक बार A11 को बने वन बनाएंगे और फिर उसको यूज करके इसको जीरो कर दें, देन A22 को वन बनाएंगे इसको यूज करके जीरो कर, तो 2x2 में थोड़ा कम काम होगा। ऑर्डर फिर से सुन लीजिए, इसके अलावा कुछ भी करने की कोशिश मत करोगे, नहीं होना नहीं फिर आपसे। सबसे पहले इसको वन बनाना है, जब ये वन बन जाए तो फर्स्ट रो को यूज करके ये दोनों जीरो कर दें। अगले स्टेप में इसको वन बनाना है, जब ये वन बन जाए तो सेकंड वाले रो को यूज करके A12 और A32 को जीरो कर। अगले स्टेप में इसको वन करना है, जब ये वन हो जाए तो फिर इसको यूज करके थर्ड वाले रो को यूज करके ये दोनों जीरो कर। इधर आइडेंटिटी बनेगा, उधर एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, जो उधर एक नया मैट्रिक्स मिलेगा उसी को आप कह दोगे कि A का इनवर्स है। जैसे लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज ये ले लिया 2 0 4, समझो ध्यान से, इसका इनवर्स फाइंड करने को कहा गया। तो हमने सपोज कर लिया कि ये मैट्रिक्स हमारा ए है, एक मैं करके दिखा देता हूं फिर आप करोगे, तो ये मान लो हमारा ए है, तो हम क्या लिख देंगे अगले स्टेप में, इधर ए लिखेंगे 2 0 4 5, आइडेंटिटी 1 0 0 1 A। अब आप स्टेप याद कीजिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है बोलो, सबसे पहले काम आपको ये करना है कि यहाँ पे बनना है, क्या करेंगे, हाफ से पहले वाले रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले वाले रो को हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, R1 में चेंज कर रहे हैं, हाफ R1, और जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो वो साथ में बताओगे कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, अगले स्टेप में आप कैसे पहुंचे। तो यहाँ पे आप बता रहे हो कि पहले वाले रो में आप हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे पहले रो में तो क्या बन जाएगा, ये 1 ये 0, सेकंड में तो आपने कोई चेंज किया नहीं, ऐसे ही रहेगा, पहले रो में हाफ से मल्टीप्लाई किया इधर भी तो 1/2 एंड 0 0 1। जब आप इधर फर्स्ट रो में हाफ से मल्टीप्लाई करें तो सेम वही काम उधर भी कर दो। अगला काम क्या करना आपको बोलो, ये जीरो करना है, इसको 4 की जगह पे 0, कैसे करेंगे 4 की जगह पे 0, इसको यूज करके इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को और R2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो R2 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं R2 में, R2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 4 टाइम्स R1 को, पहले वाले रो को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, क्या मिला मुझे ये, इस बार हमने पहले रो में कोई चेंज नहीं किया तो पहला रो तो यही रह गया 1 0, सेकंड में चेंज कर रहे हैं, पहले को 4 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 0 आ गया, बोलो सही है, तो बोलो भाई, इधर भी पहले रो में कोई चेंज नहीं किया, हाफ 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां आएगा -2, यहां 1 A, ठीक है ये। ठीक है ये 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां तो 4-4 0 हो गया, यहां 5-0 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किया 2 हुआ, 0-2 ये तो गया। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, यहां पे लाना है 1, क्या करोगे 1/5 से R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करो, तो R2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 से, तो बना क्या ये 1 0 0 1, इधर तो इधर क्या हो गया ये 1/2 0 -2/5 एंड 1/5 A, और यहां तो ऑलरेडी 0 पहले से ही, अगर नहीं होता तो फिर अगले काम क्या करते, इसको 0 बना, ये तो पहले से 0 बना इधर बन गया आइडेंटिटी, देखो इधर आइडेंटिटी बन गया, तो उधर जो मैट्रिक्स आया यही A का इनवर्स है, तो हम कर देंगे A का इनवर्स वो राइट साइड वाला मैट्रिक्स है, तो A इनवर्स इज
वन बाई टू जीरो माइनस टू बाई फाइव वन बाई फाइव। घर पे जाके खूब सारे क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कर लेंगे, दो टू बाई टू, थ्री बाई थ्री, जो भी इनवर्स वाले क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी में, उसको दोनों मेथड से कर लोगे, एडजॉइंट वाले मेथड से भी और ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेथड से भी। थ्री बाई थ्री में आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें तो कम एलिमेंट थे और उसमें भी एक नहीं करना पड़ा चूंकि एक ऑलरेडी मैंने जीरो लिया हुआ था। अब जैसे एक थ्री बाई थ्री का कीजिए, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 2 0 1 माइनस थ्री माइनस फोर जीरो 1 0 यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका इन्वर्स चाहिए आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा जमीन, पूछ लो, क्या पूछना, बोलो क्या बताऊं। हाँ ये वाला, यस सर, उसमें हमने 5 यहाँ पे वन लाना था ना, तो 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो जीरो ही रहेगा। ये आर टू में से 4R1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया जीरो हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो 5 माइनस 0 5 ही रहेगा, ये 0 है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, 5 सब्ट्रैक्ट करो 5 में से 0। बहुत कंसंट्रेशन के साथ कीजिएगा, गलती हो जाती है, ध्यान से कीजिएगा बिल्कुल, और बिल्कुल इसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में बोला है।
हो गया सभी का? चलो देखते हैं। तो मैंने इसे लिखा a इज इक्वल टू i टाइम्स i आइडेंटिटी 100 010 0 देखो बेटा, इधर देखो, बात बंद करो ईशान। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, जो फर्स्ट वाला है A11 उसको वन बनाना होता है। इस बार आपके पास दो ऑप्शन है उसको वन बनाने के लिए, या तो आप पहले रो को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो वन हो जाएगा, या फिर आप फर्स्ट एंड थर्ड रो को इंटरचेंज कर दो, क्योंकि थर्ड रो में वन दिख रहा है पहला वाला, तो मैं फर्स्ट एंड थर्ड रो को इंटरचेंज कर दे रहा हूं R1 एंड R3 को। R1 R3 इंटरचेंज किया तो क्या बन गया, ये 105। सेकंड में तो कोई चेंज कर नहीं गया, 201। यही काम 001 010 100। अगर आपने हाफ से मल्टीप्लाई करके किया तब भी फाइनल आंसर आपका सेम होना चाहिए, अगर आपने बीच में कोई गलती नहीं की हो। अब देखो नेक्स्ट आपका काम क्या होता है, बोलो। ये और ये जीरो करेंगे, ये दो इसको यूज करके, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, बोलो सही है। तो सेकंड रो में हम चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं सेकंड रो में, सेकंड रो में से आप ऐड कर रहे थर्ड वाले रो, सॉरी फर्स्ट वाले रो को 3 से मल्टीप्लाई करते, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे 0 हो जाएगा। देन हम थर्ड रो में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज करेंगे, थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट वाले रो को 2 से मल्टीप्लाई कर, बोलो ठीक है। ये 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे 0 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0 बन जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, इस बार हमने फर्स्ट में कोई चेंज नहीं किया तो फर्स्ट तो ऐसे ही रह गया 105। सेकंड में क्या चेंज कर रहे हो, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो, फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया ऐड किया तो ये 0, यहां तो -4 ही रह जाएगा, यहां 15 हो जाएगा। इधर देखो, कुछ बोलना चाह रहे हो, इधर देखो। नाउ थर्ड वाले रो में चेंज कर रहे हैं, थर्ड वाले रो में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाले रो को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहां 0 हो गया, यहां भी 0 हो गया और यहां 1 -10 हो जाएगा, यानी -9। चेक कीजिएगा, ठीक है। ये इधर आते हैं, पहले में कोई चेंज नहीं है 001। सेकंड में क्या चेंज कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, पहले वाले रो को 3 से मल्टीप्लाई किया ऐड किया, यहां तो 0 ही रह गया, यहां 1 रह गया, यहां 3 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 1, ये वही रह गया 0 और ये -2 1। तो ये पहले कॉलम का काम खत्म हो गया 100। बोलो ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के लिए -1/4 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड वाले रो को, तो सेकंड वाले रो को हम -1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
क्या बनेगा भैया? पहले रो में तो आपने चेंज किया नहीं, इस बार ऐसे ही हो गया 105 माइनस 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 01 और यहाँ माइनस 15/4। तीसरे में भी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं 00, इधर भी फर्स्ट में कोई चेंज नहीं है 001। माइनस 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 माइनस 1/4 एंड माइनस 3/4, यहां कोई चेंज नहीं कर रहे हैं 10 माइनस 28। नेक्स्ट क्या करना होता है? नेक्स्ट आपको ये दो जीरो करने होते हैं जो ऑलरेडी बने बने, तो ये तो खत्म हो गया। अब कहां चलेंगे? यहां वन। कैसे बनाओगे वन? इसको माइनस 1/9 से थर्ड वाले रो को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो थर्ड वाले रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 1/9 से, R3 में चेंज कर रहे माइनस 1/9 R3। देखो बना क्या है, पहले में तो कोई चेंज नहीं है 105, दूसरे में भी कोई चेंज नहीं है 01, तीसरे में चेंज है, किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस 1/9 से, तो ये 001 हो गया। यहां भी फर्स्ट ऐसे ही रह गया 001, सेकंड ऐसे ही रह गया 0 माइनस 1/4 माइनस 3/4, यहां हो जाएगा माइनस 1/9 0 एंड 2/9। ठीक, और अब लास्ट बच गया, क्या बच गया आपके पास? ये दो जीरो करना यहां पे और यहां। कैसे? इसको यूज करके 5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, 15/4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे 0, तो R1 में चेंज कर रहे हैं। ध्यान से देखोगे R1 में चेंज किया, R1 में से सब्ट्रैक्ट किया 5R3, और R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 में ऐड किया 15/4 R3। देखोगे जरा ध्यान से, तो इधर तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा 100010001, इधर तो खत्म हो गया। थर्ड वाले रो को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऊपर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे आएगा 5/9, यहां तो 0 ही आएगा, और यहां पे आएगा 1 माइनस 10/9। 1 माइनस 10/9 का मतलब हो गया माइनस 1/9 ठीक है, ठीक है। सेकंड वाले में तो हमने क्या चेंज करना है? हाँ ठीक तो लिखा है। हम सेकंड वाले रो में क्या चेंज कर रहे हैं? 15/4 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर रहे हैं, तो 15/4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब माइनस 1/9 को, तो माइनस 1/9 को 15/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3, ये 5, माइनस 5/12 बनेगा, और ऊपर ऐड कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा माइनस 5/12। यहां पे कोई चेंज होना नहीं है, माइनस 1/4 ही रहेगा। देन 2/9 को जब 15/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, ये 3, ये 5, तो ये हो गया 5/6, और 5/6 को ऊपर ले जाकर ऐड करेंगे किसके साथ? माइनस 3/4 के साथ, तो ये बनेगा यहां पे 12, यहां 10, यहां 9, तो 1/12 आएगा। बोलो सही है? और तीसरा वाला तो कोई चेंज कर नहीं रहे, माइनस 1/9 0 एंड 2/9 a, तो यही a का इनवर्स होगा, यानी जो a का इनवर्स है, जो राइट साइड पे आपको मैट्रिक्स दिख रहा है वो a इनवर्स है, तो a इनवर्स इज 5/9 0 माइनस 1/9, माइनस 5/12 माइनस 1/4 1/12, माइनस 1/9 0 एंड 2/9। कितने लोगों का सही निकला? बस 4-5 लोग ही। गलती वैसे होती है थोड़ा सा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि घर पे प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 2-4 बार कर लोगे तो आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। ठीक है, ये खास करके 3/3 वाले में गलती होगी, क्योंकि 2/2 वाले में तो कम करना पड़ता है। फिर से याद दिला दो एक बार आपको A11 को 1 बनाना है, जब A11 1 हो जाए तो पहले कॉलम के बाकी के दो एलिमेंट 0 बनाने, फर्स्ट रो को यूज करते, देन A22 को 1 बनाना है, जब वो 1 बन जाए तो दूसरे कॉलम के बाकी दो 0 करने, सेकंड रो को यूज करते,
देन ए थ्री थ्री वन बनाना है एंड उसको यूज करके फिर तीसरे कॉलम के बाकी दो एलिमेंट जीरो पर। ये हो गया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही आपसे कहा जाएगा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट लिखिए एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर पेपर पे लिखा हुआ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कई बार रो कॉलम मेंशन नहीं करते, सिर्फ लिख देते हैं कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स, तो फिर आपकी मर्जी होती है आप रो से निकालना चाहते हो या कॉलम से निकालना। लेकिन फिर अगर इस पे स्पेसिफिक लिखा हुआ कि नहीं कॉलम से ही निकालिए तो फिर आपको कॉलम से निकालना पड़ेगा, रो से बोला हुआ तो रो से निकाल। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो तीन ट्रांसफॉर्मेशन आप रो पे कर सकते हैं वही तीन ट्रांसफॉर्मेशन आप कॉलम पे भी कर सकते हैं। यानी जो पहले तीन हमने लिखा है वो ट्रांसफॉर्मेशन में बस दोबारा में लिखवा नहीं रहा, बस जहां जहां रो बोला है उसकी जगह पे कॉलम हो। मतलब क्या कर सकते हैं, रो में क्या क्या काम करते थे कि किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहला ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऐसे ही कॉलम में किसी भी कॉलम को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या था कि किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ऐसे किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम या थर्ड एंड फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड कॉलम। तीसरा क्या था किसी भी रो में हम किसी दूसरे रो को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एज इट इज या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। कॉलम में भी यही कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एज इट इज या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो ये तो हो गया जैसे तीन रो ट्रांसफॉर्मेशन है वैसे ही तीन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। नाउ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से जब इनवर्स निकालेंगे तो ऑर्डर थोड़ा बदल जाएगा। जैसे रो में तो हमने क्या किया कि पहले इसको वन बनाया एंड देन इसको यूज करके ये दोनों जीरो, फिर इसको वन बनाया एंड देन इसको यूज करके ये दो जीरो, फिर इसको वन बनाया इसको यूज करके बाकी के दो जीरो। कॉलम में थोड़ा सा बदल जाएगा। एक तो कि जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे तो ए इज इक्वल टू आई ए की बजाय ए इज इक्वल टू ए आई डी, कोई फर्क पड़ता नहीं वैसे यहाँ पे, चूंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी में आई ए लिखें या ए आई लिखें कोई फर्क पड़ता नहीं, बट लिखेंगे ऐसे ए पहले लिखेंगे आई उधर लिखेंगे। एक्चुअली जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो राइट साइड वाले मैट्रिक्स पे चेंज करते हैं, तो इस केस को ए इज इक्वल टू ए आई। अब देखो ऑर्डर बदल जाएगा। रो में हम क्या करते थे, फिर से बोल रहा हूं, इसको वन करते थे देन ये दोनों जीरो, फिर इसको वन करते थे ये दोनों जीरो, फिर इसको वन करते थे ये दोनों। कॉलम में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, कॉलम में भी पहले इसको वन करेंगे, क्योंकि कॉलम से ट्रांसफॉर्मेशन करना ऐसे करना तो पहले इसको वन करेंगे और इसको वन करने के बाद ये दो जीरो करेंगे इसको यूज करेंगे। क्योंकि आप कॉलम में ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो पहले इसको वन बना लोगे, जब ये वन बन जाएगा तो फिर इस वाले कॉलम को यूज करके फर्स्ट वाले कॉलम को यूज करके यहां और यहां क्या लाना है जीरो लाना, वन जीरो जीरो। देन क्या करेंगे ए टू टू को वन करेंगे, चलेंगे ए टू टू को वन करेंगे एंड देन सेकंड वाला कॉलम यूज करके इसको और इसको जीरो कर देंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है ये। और फिर इसको ए थ्री थ्री को वन बनाएंगे, जब ए थ्री थ्री वन बन जाएगा तो फिर थर्ड वाले कॉलम को यूज करके ये दोनों जीरो करेंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा, तो आपका कॉलम कभी नहीं सॉल्व होना उलझ जाए। आप रो कर रहे हैं तो बस रो पे ही स्टिक कीजिए, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे स्टिक कीजिए, तो अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो थ्रू आप कॉलम में ही चेंजेस करोगे, रो में चेंजेस मत करने लगोगे। जैसे लिखिए क्वेश्चन फाइंड द टू बाई टू दे देता हूँ, जल्दी हो जाएगा, थ्री बाई थ्री में थोड़ा टाइम लग जाएगा। फाइंड द इनवर्स यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड द इनवर्स यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो ये दे दिया मैंने टू थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, इसका इनवर्स निकालें कॉलम में चेंज कर।
हो गया सभी का, कर लो। ओके सभी का करें, तो देखो इसको मैंने ए बोल दिया, दिस इज ए इज इक्वल टू ए आई। तो इधर आपने ए लिखा ऐसे ही, समझ लो आई लिख दिया 10। ध्यान दे इस बार आप कॉलम पे काम कर रहे हैं, पहला काम तो वही करना है कि 2 की जगह पे 1 लाना है। 2 की जगह पे 1 लाने के लिए हमने फर्स्ट कॉलम को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, C1 में चेंज कर रहे हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन गया। ध्यान दे कॉलम में मल्टीप्लिकेशन हो रहा, फर्स्ट वाले कॉलम में, तो ये बन गया 1 and -2, सेकंड कॉलम एज इट इज, कॉलम को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ 0, सेकंड कॉलम एज इट इज। देन आप 3 की जगह पे 0 लाना चाहते हैं, इधर उसको पहले 0 करोगे 3 की जगह पे, तो क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस बार हम फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं कर रहे, ऐसे ही छोड़ दिया 1 -2। कुछ पूछना है बोलो, हाँ -5 है। इधर देखो, बहुत इंटरेस्ट, क्या जल्दी बताओ। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले कॉलम में चेंज कर रहे हैं, सेकंड वाले कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाले कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके, पहले वाले को तो ऐसे रहने दिया, यहां हो जाएगा 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां 1 आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। अरे बोलो भाई, ए इसको तो ऐसे रहने दिया हाफ 0, 3 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया तो यहां -3/2, यहां तो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट अब हम ए 2 की जगह पे 1 लाते हैं, तो वो तो ऑलरेडी 1 बन गया, तो ए 2 की जगह पे ऑलरेडी 1 बन चुका है, ठीक है जी, तो वो तो वैसे ही रह जाए। अब क्या करेंगे, सिर्फ एक रह गया जो -2 है फर्स्ट कॉलम में, उसको 0 करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे सेकंड वाले कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो बनेगा क्या ये 1, ये हो जाएगा 0, ये 0 1, ए फर्स्ट कॉलम में ऐड कर रहे हो सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 1/2 में ऐड होगा -3, और 1/2 में -3 ऐड होगा तो यहां हो जाएगा -5/2, यहां तो 2 हो जाएगा, ये -3/2 और ये 1, तो ये ए का इनवर्स है, ए इनवर्स इज -5/2 -3/2, 2 and 1, चेक कीजिएगा सबका यही आया, तो इस बार कितने लोगों का सही आया, बस।